भिन्न बनेगा नकल मुक्त जिला। नकल बच्चों के भविष्य के लिए अभिशाप की मुहिम का आगाज आज। भिन्न जिला कभी नकल के लिए बदनाम हुआ करता था। प्रदेश भर में नकलची छात्र भिन्न में नकल के भरोसे परीक्षा देने आते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। आपको बता दें कि वो योग्यता के दम पर भिंड का नाम रोशन करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों की इस मुहिम में शिक्षा विभाग का प्रशासनिक अमले के साथ साथ पूरे जिले का प्रशासनिक अमले के साथ यहां पर जमीनी स्तर पर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भयमुक्त वातावरण में नकल रोकने के लिए, प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए भरसक प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसी क्रम में भिंड जिला कलेक्टर सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कलेक्टर सभागार में पत्रकारों के साथ जिले में नकल रोकने के प्रभावशाली कदमों की समीक्षा की गई और सामूहिक रूप से जानकारी दी गई कि प्रशासन के द्वारा भयमुक्त वातावरण में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा संचालित करने के लिए विभागों के द्वारा तैयारी कर ली गई है। जिले के भिंड, लहार, दबोहा, अटेर, गोहद, महगांव तहसील में 60 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। यहाँ उनके द्वारा सख्ती से छात्रों को निर्देशित किया गया है कि छात्र छात्राएं सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लें। सभी परीक्षा केंद्र के बाहर 200 मीटर का एरिया प्रतिबंधित रहेगा। इन मीटर के दायरे के अंदर आने वाली दुकानों को पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण परीक्षा संचालित करने के लिए 25 पुलिस मोबाइल वैन और 300 जवान ड्रोन की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यहां इस बार भिंड जिले के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा रोचक और बच्चों के लिए मदद की मुहिम की गई है। इसमें संदेश रिकॉर्ड कर जन सहयोग मांगा जा रहा है। यहां बताना मुनासिब होगा कि भिंड कलेक्टर के द्वारा भिंड जिले के प्रत्येक विद्यालयों में जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों के द्वारा नकल ना करने की शपथ बच्चों को दिलाई गई है और सकारात्मक कदम यहां पर उठाए गए हैं। निवेदन, आप सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। अगर कोई भी छात्र या छात्रा परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए बस या ऑटो इत्यादि का इंतजार करता मिले या कोई छात्र पैदल जाता हुआ मिले तो उसे परीक्षा सेंटर तक जाने में मदद करे। हो सके तो अपनी गाड़ी से ही बच्चों को परीक्षा सेंटर तक छोड़ दे। आपकी थोड़ी सी परेशानी किसी का भविष्य बनाने में मददगार होगी। यदि संभव हो तो कृपया इस संदेश को दूसरे ग्रुप में भेज दे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की 17 फरवरी से होने वाली है। हमारे लाहौर क्षेत्र समेत समूचे भिंड जिले के छात्रों से और छात्राओं से अनुरोध है कि बड़े जिले के में नकल प्रथा जो लाहौर को छोड़कर चलती रही उसको इस साल मेहनत करके पढ़ाई करके बिना नकल के अपने नाम में प्रवीण सूची में लाने का काम करें। ऐसे विद्यार्थियों को मैं अपनी ओर से पारितोषिक दूंगा, उनका सम्मान कर लूँगा। इसमें विद्यार्थी कितने भाग ले रहे हैं? हाई स्कूल के 23,608 और हायर सेकेंडरी के 13,833 बच्चे इसमें भाग लेंगे और समस्त विभागों को लगाया गया है। इसमें हर विभाग के अधिकारी को प्रयोग किया जाएगा सुपरवाइजिंग के लिए। कुछ स्थायी पैनल भी रहेंगे जो वहीं बैठेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए जा रहे हैं। हमारे कलेक्टर महोदय वगैरह भी और एसपी साहब सभी भ्रमण करेंगे, सतत निगरानी रहेगी परीक्षा पर। सर, बच्चों के लिए कोई संदेश प्रेषित करना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए ये संदेश यही है कि वो भयमुक्त होकर के और निष्पक्ष रूप से परीक्षा दें और नकल रहित, नकल का कोई ऑप्शन नहीं है, यही बच्चों को संदेश है। नकल से पास होकर के उनका भविष्य खराब रहता है। जो 60 केंद्र हैं उनमें संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस को लगाया, करीब 300 पुलिस वाले वहाँ पे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने करीब 25 मोबाइल्स भी चलाई हुई हैं जो पूरा क्षेत्र कवर करेंगी, उनके रूट भी निर्धारित किए हुए हैं, कौन कौन से स्कूल्स उनके द्वारा कवर किए जाना है ये भी तय किया हुआ है। इसके साथ साथ जो हम लोग विभिन्न स्कूल हैं उनको हमने चिन्हांकित कर रखा है, जिनमें बाउंड्रीज नहीं है ऐसे स्कूलों को भी हमने चिन्हित कर रखा है। जो ऐसे लोग हैं जिनका पूर्व में इस तरह का रिकॉर्ड है या शोहरत है कि जो इस तरह के मामलों में संलिप्त रहते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके उन पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
इसके साथ साथ जिस दिन परीक्षाएं होंगी उस दिन हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी जो है ऐसे जगहों पर सर्वेलांस कराएंगे कि कहीं पे इस प्रकार की कोई चीटिंग जैसी कोई कार्रवाई ना हो। देखिए जैसी जैसी हम लोगों को सूचना मिलती है, कुछ जगहों पर शादी को लेकर कुछ अन्य फंक्शंस को लेकर भी जानकारी मिली थी तो उन पर कार्रवाई की है, उनको बंद भी करवाया है और अब ये भी हम लोगों ने सभी को बोला है कि उसमें इन पे आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो FIR वगैरह भी की जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों के माध्यम से भी सभी में ये मैसेज करना चाहेंगे कि अगर कभी किसी को कहीं इस बारे में सूचना मिलती है, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है एग्जामिनेशन के समय, चीटिंग वाली कोई बात है, तो आप लोगों के माध्यम से और पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 पे भी वो फोन करके इसकी हमें सूचना दे सकते हैं और उस पर भी पुलिस द्वारा निर्देश है ना कि बच्चों को जो है बिल्कुल जो है भय मुक्त होकर जो है परीक्षा देना चाहिए। जांच दल लगभग 40 जांच दल हमने नियुक्त किए हैं, ब्लॉक पे SDM ने अपनी टीम गठित की है, जिले पे कलेक्टर साहब द्वारा 40 दल जो है कि आपके विद्यालय का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उस एरिया से में अगर किसी भी छात्र को सेंटर तक पहुंचने में या अन्य किसी प्रकार की असुविधा अगर आपकी नज़र में आती है, वो छात्र चाहे प्राइवेट विद्यालय का हो या शासकीय विद्यालय का, आप छात्र हित में उसकी हर संभव मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।